हाय अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, आपकी बहन हस्बैंड मामूल धो रही थी वहां से। मेरा दिल चाहता है कि जिस वक्त हाथ धो रही हूँ ना तो बोर होने की वजह जगह में जो गाने गाने लग जाती हूँ कोई ना कोई। बड़ा मेरा पसंदीदा सॉन्ग है ये, आपकी बहन आपका पसंदीदा शो मिसेस चौधरी का तड़का लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने बड़ी खास चीजें बनानी है क्योंकि आज का मेहमान भी बड़ा ही खास है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो मैंने सोचा कि ऐसे पकौड़े बनाऊं, आमतौर पर तो पकौड़े जैसे होते ही हैं कि इतने को खास हो गए वो एक पकौड़ा भी ना छोड़े सारे खा जाए। तो हमने इसके लिए जनाब चिकन लिया है और हमने चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के तो इसको क्या किया मैरिनेट करके रखा हुआ है। चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसको घोल के हमने रख दिया। इसके थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी स्ट्रिप्स भी हैं तो छोटे छोटे क्यूब्स भी हैं, मुख्तलिफ शक्लों में ये बोनलेस है। और साथ में हमारे पास है बेसन, तो बेसन के साथ और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हल्दी है, थोड़ा सा मीठा सोडा है, ये ददड़ किया हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया है, ये अनारदाना है। चस्के वाली चीज में तो बस अलमिया जी आपको पता ही है ना, इंसान को आ ही जाता है मुंह में पानी। लाल कुटी हुई मिर्च है और ये हमारा क्यूब है जो हमारी हर चीज को खास बना देता है, कनौर का चिकन क्यूब। ठीक है, हरी मिर्च कटी हुई है, इसके साथ अमचूर पाउडर है और ये भुना हुआ जीरा है, लाल मिर्च है और नमक है और हरा धनिया, हरा मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च, हरा पुदीना, पुदीना, पुदीना। ठीक है, वैसे तो हम इसको भोरा भोरा करके भी डालते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि कनौर के चिकन क्यूब्स को अगर आप थोड़ा सा भिगो लेते हैं तो जरा ज्यादा अच्छा सा मिक्स हो जाता है। मैंने इसके लिए एक और लफ्ज भी सीखा है, डाइल्यूट हो जाता है ना। तो ये हमने इसमें डाल दिया और ये थोड़ी देर में हम जरा देखेंगे थोड़ा सा मिक्स होके ना, कि फिर पकौड़ों में अच्छी तरह मिक्स होके अच्छा हो जाएगा इसका टेस्ट। हाय लो, जो मेहमान आ जाने वाले हैं वो बड़े खास हैं। मेरा तो दिल था वो मेरी जिंदगी में ही आ जाते लेकिन मतलब मेरे शो में तो आ ही गए कम से कम है, अल्लाह करके जल्दी आए, पता नहीं कितने रह गए ने। अजय जी वो मैं क्या बताऊं, मेरी सारा जो मेरा स्केड्यूल है ना वो चेंज हो गया है। एक शूटिंग अभी पेरिस में थी उसके लिए मुझे कहा कि भाई कोरोना की वजह से वो आगे चला गया, और फिर वो नदीम की एक पिक्चर है जवानी फिर निहानी पार्ट 10 उसके लिए मैं रुका हुआ हूँ। जैसे ही मुझे वो ओके कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। ओके बाय, सलाम अलैकुम। उनके वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपनी हांडी को देखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। कैसी हैं आप? ये तो आप बताएंगे ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तबीयत कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र है, उनके देखे से जो मुंह पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का प्लास्टिक सर्जन अच्छा है। अरे बाबा, ऐसा लग रहा है कि आजकल आप गालिब को पढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं गालिब को बहुत पढ़ रही हूँ। पता है एक दिन तो गालिब भाईजन मेरे ख्वाब में आया, कहते बाजी मेरा पीछा छोड़ भी दे उन बस भी कर होर भी शायर ने। आई कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन। वैसे फराज साहब, मैंने उस दिन आपको बुलाया था, आपने रबिया जी को भेज दिया था। नहीं चले, देखे ना कोई तो आ गया ना। हाँ जी, मेरी और आपकी दरमियान तो कोई ना कोई आ ही जाता है। खैर कोई अच्छा तो क्या आजकल क्या है आज की रेसिपी? देखे ना, मैंने भाई रोजा लग रहा है और ये तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही है। फराज साहब जरा ग्रेस रखे, इस तरह नहीं कहते होते रोजा लग रहा है तो बच्चों को लगता होता है ना। अच्छा, हाँ जी, बड़ों को नहीं ना लगता होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं, लग भी जाए तो बताते नहीं होते। बहुत नॉटी है जी। फराज साहब आप देख रहे हैं मैंने पकौड़े आपके लिए अभी घोलने लगी हूँ क्योंकि देखिये पकौड़े तो बड़ी किस्मों के होते हैं, पहले मैं साथ साथ घोलूं, हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है। वैसे तो ये रेसिपी का तो कमाल है ही है। हाँ जी, मगर आपके हाथों में भी बड़ा कमाल है। हाँ जी, असली मजा तो मेरे हाथों का है। वैसे मैंने कई दफा देखा फिल्मों में ड्रामों में लोग कहते हैं, मैंने आज आपके आपके लिए ये चीज खास तौर पे अपने हाथों से बनाई, मैं हैरान होती हूँ कि वैसे कोई पैरों से भी बनाता होता है। हाँ पैरों से, देखे ना वो स्पेन में और फ्रांस में वाइन बनती है। इस तरह की बातें नहीं करते होते रमजान शरीफ है। अच्छा फराज साहब, हम मैंने इसके मसाले तो पहले डाल लें जरा। अच्छा, साथ साथ। अच्छा तो आप ये मुझे बताएं कि वो चौधरी साहब कहाँ हैं?
चॉइस साहब को जरा दही लेने भेजा। चॉइस साहब मेरी हेल्प कराते हैं कि सारा कुछ मसाले वगैरह उन्होंने सेट किए। चौधरी साहब के साथ आप अच्छा करती है। नहीं नहीं चॉइस साहब माशाल्लाह बड़े काम के हो गए, मैं आगे तो किसी काम के नहीं थे, अब जाके मेरे लिए कुछ चीजें भी ले आते होते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि चौधरी साहब दही लेने के होते हैं। हाँ जी चौधरी साहब शुक्र करें दही सही लेके आ जाते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप इसमें क्या क्या डाल रही हैं ताकि मैं भी घर में ट्राई करूं। हाँ जी इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, जीरा डाला है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनारदाना। अनारदाना अच्छा तकरीबन कितनी? ये तो मैंने सारा ही डाल दिया, तकरीबन 3 छोटे चम्मच चाहिए वाले ना। अच्छा अच्छा ये कितने आदमियों के लिए काफी होगा अंदाजन? वैसे तो 4-5 लोग खा सकते हैं लेकिन हाँ। मेरी तरफ से बेशक आप सारे खा जाए। अच्छा जी लाल कुटी हुई मिर्च जरा ध्यान से डालनी है, ना मुंह सड़ जावे अगली बार आवे ना साढ़े घर। अच्छा ये हमने ये हमने ये किया हुआ है धनिया सूखा ना। अच्छा उसको हमने दौरी डंडे में कुट कुट के रखा है, कुट कुट बाजरा में बाजरा नहीं। अच्छा ये हरी मिर्चें डालेंगे? ये भी डालेंगे हम, पहले थोड़ा सा हम ना मुन्ना मुन्ना टू सोडा डालेंगे। कितना मुन्ना सोडा? बस इतना बड़ा है। सोडे से हमने जरा ये फ्लफी हो जाते हैं ना सॉफ्ट। अच्छा। तो फ्लफी और थोड़ी कम ने हल्दी डाली आधी चमची। भाई हल्दी तो हर चीज में बड़ी अच्छी है, मैं तो कहती हूँ कोरोना से बचने के लिए हल्दी तो अदरक तो अजवाइन तो दालचीनी तो सारी चीजें बड़ी काम की। अमान से लोग हमारी हड्डी में होती थी ना तो इसलिए हमें बड़ा फायदा होता है इसका। अभी मुझे लगता है आज पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह हो ताला। आपकी बरकत से भी देखे ना, मेहमान के आने से भी तो बरकत होती है ना। अब मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? बस अभी हम गए थे, ऐसा करते हैं इसका चूल्हे को आप जला दे जरा प्लीज, वो उधर से ये लेटर है। अच्छा हाँ जी ये yes. तो मैं अभी एक मिनट है जरा से इसको गर्म होने दे, मैं इसमें भी चिकन मिला लूंगी ना तो फिर थोड़ा सा और ये ऑयल डालूं मैं? एक मिनट, मैं आपसे काम तो नहीं कराना चाहती लेकिन फिर मेरे पास कोई है नहीं मजबूरी है। वो रफान का जरा कौन ऑयल तो पकड़ के लाए जल्दी से शाबाश। कोई बात लड़कों से काम कराने का अपना ही लुत्फ है जी। थोड़ा सा इसमें इतना आधा को डालें, इसको डीप फ्राई करेंगे हमें इंशाल्लाह। तो ये पकौड़े हम घोल रहे हैं, इस तरह के पकौड़े मान से आपने कभी नहीं खाए होने। अभी मैंने इसमें कनौर की ये चिकन क्यूब जो घोल के रखी हुई है ना ये भी मलानी है। ये देखे कितना इतने ऑयल जा रहा। हाँ जी होने दे, इसको हमने मीडियम हीट पे रखना है। अच्छा ये कितनी अच्छी मैंने बात की, अकलमंद हो गई। मीडियम हीट पे हमने इसको रखना है और फिर इसके पकौड़े हमने तलने हैं। अभी जरा मैं इसको अपना पकौड़ों का जो बेसन है इसको जरा अच्छी तरह मिक्स कर लूं। हाँ। वैसे हमारे पास चूंकि टाइम थोड़ा होता है तो हम जरा जल्दी जल्दी बनाते हैं आपके सामने, नहीं तो आप घंटा पहले भी भगो के रख सकते हैं इसको बेसन को, तो जरा अच्छी तरह रच जाता है। और फिर ये जो हमने कनौर की ये जो कनौर की ये जो क्यूब भगो के रखी हुई थी, वाह वाह वाह, देखना आप इसे टेस्ट कैसा आना, तो मजा आ जाएगा। फराज साहब ये बताएं कि रोजे पूरे? रोजे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आप देख नहीं रही है मेरे मेरा स्टाइल देखे जरा। हाँ और मेरे फिगर देखे जरा। नहीं असल में मेरा आपके मुंह की तरफ से ध्यान ही नहीं हटता, चेहरे पे जो नूर है ना उससे मुझे लग रहा है कि ठीक ही कह रहे होंगे। अच्छा जी अब हमने इसमें डालने हरे मसाले। ये आई हरी मिर्च, ये आया पुदीना, पुदीना मुझे बड़ा पसंद है, ये रहा हरा धनिया, ये देखिए आप इसका जरा रौन के देखे आप इसकी माशाल्लाह ताला जबरदस्त है ना। Yes. अब साथ ही हमने डाल देना इसके, अब हमने चिकन। ये आपकी अपनी रेसिपी है या कहीं से आपने पढ़ा है किताब में? आपको मैंने बताया नहीं, देखिए जिस वक्त ये लॉकडाउन हुआ ना हाँ। तो बंदा किसी जोगा ही नहीं रह गया हाँ। कपड़े मेरे नसले, ये कूब को मैंने निकाल दिया, जुवेद को मैंने निकाल दिया, तो अब क्या करती, तो मैंने कहा ऑनलाइन मैंने कुकिंग की सीख ली, कोर्स कर लिया ना मैंने। अच्छा हाँ जी, तो ये सारी रेसिपी वहाँ पर है? हाँ जी बड़ी वैसी वैसी। अभी आप देखना जिस वक्त मेरा शो चल रहा है ना, आपने यूट्यूब के ऊपर मेरी रेसिपियाँ चोरी करते हुए देखना लोगों को। अच्छा जैसे मेरे कपड़ों का डिजाइन नहीं थे लोग चोरी करते होते हाँ। आप वो मेरी रेसिपियाँ भी चोरी करते हैं? नहीं वो करेंगे देखना, लोग तो आपको बहुत कॉपी करते हैं है ना। हाँ यस, मेरी फैशन सेंस, मेरी कुकिंग सेंस, मेरी हुसन सेंस सब अच्छी है ना। वाह भाई वाह। चलो जी अभी गर्म हो गया कि नहीं? नहीं अभी नहीं है जी। जरा एक छोटा सा इसमें डाल के देखें, देखते तो है। गरम हुआ कि एक मिनट ठहर दो जरा, हौसला करो। फराज साहब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई गाना सुनाए तो? नो ओ नहीं मेनू को चले आप सुनाए गाना। अच्छा शुक्र अल्लाह का आप मान गए, वरना मुझे कोई कहता ही नहीं गाना सुनाने को। छुने छुने नाचूंगी, छुने छुने गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे उन्हें कर जाऊंगी, छुने छुने नाचूंगी, छुने छुने गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे उन्हें को सुनाऊंगी, छुने छुने नाचूंगी। आप तो, मेरा मतलब है कि आप तो दो 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 आवाजों में गाती। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। वैसे फराज साहब मैं ना मुंह से सायरन की आवाज भी निकाल लेती हूँ, मैं मुंह से बोतल भी खोल लेती हूँ। नहीं नहीं बस बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बंदे को फनकार होना चाहिए तो सारा कुछ
होना चाहिए और यस हाँ जी। तो फराज साहब ये बताएं अच्छे लग रहे पकौड़े? यस आप देख रहे हैं ये देखा ये तो राउंड लग रहे हैं फराज साहब ऐसे मुझे लगता था कि आप है बड़े सुगड़ लेकिन आप मुझे नजर आ गया कि आपको है मैं देखे ना मैं हेल्प करता हूँ अरे क्यों स्पेशली आपके लिए तो ऑफ कोर्स मैं कोई भी काम कर सकता हूँ देखे ना मैं तो हर एक की हेल्प करवाता हूँ मैं तो रबिया की भी बहुत हेल्प करवाता हूँ इसी बात का तो हाँ बड़ी अच्छी बात है आप बड़े ओके अच्छे लड़के बन गए हैं फ्रासा कैसे आपने मुझे मिस किया था कि मिसेज मिस यस मेरी मिसेज ने आपको बहुत मिस किया जी जी आई थी वहाँ इसीलिए अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम पकौड़े फ्राई करके ना अपनी प्लेट में निकालते हैं तो इतनी देर में छोटी सी ब्रेक ले लें यस हाँ जी क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जो प्यारे प्यारे देखने वाले हैं वो मिसेस चौधरी का तड़का देखने के लिए फिर वापस आएंगे हमारे शो में है तो हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और हम थोड़ी देर में वापस आते हैं वापस आ गए और मैंने धनिया निकाल के यहाँ रखा है क्योंकि जो पकौड़े हमारे फिनिश हो गए देखिए फराज साहब कितने अच्छे निकले हैं और कितने सुगड़ हो गए आप मैं तो हमेशा आपकी हेल्प करता हूँ ना बहुत ही अच्छी आपकी आदत मुझे लग रही है वैसे अफसोस है हमारे हाथ तो आप नहीं आए लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं तो फराज साहब ये देखिए इसके ऊपर मैं कर रही हूँ जरा सी गार्निशिंग पकौड़ों के ऊपर है रंग देखा ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है अल्लाह की कुदरत है मानसिक लेकिन मैं आपको बता रही हूँ रमजान शरीफ में जो भी आप बनाए उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत अच्छी होनी है ना बिल्कुल तो जब आप मेज पे रखें तो ऐसे करके बैठा हो जाती है एक मिनट ठहर जाए मैं लेकर आती हूँ कनौर का टमाटो माशाल्लाह मेरा ख्याल है देखिए ये आपकी कॉपी मेरा ख्याल है कि हर घर में होगी लोग जैसे आपकी रेसिपी है वो लोग आपको देख के घर में ऐसे ही बनाएंगे वैसे भी आपको पता जब मैं फैशन की दुनिया में मैंने तमाशा किया था उस वक्त भी लोग मेरे कपड़ों की चोरियां करके ना डिजाइनर बड़े बड़े डिजाइनर थे सब छाप छाप के मेरा डिजाइन छापते थे अरे वाह अच्छा इसके साथ हमने केचप रख लिया ऐसे करके पकौड़ों के साथ ओके तो आ गया मजा अच्छा वैसे फराज साहब एक बात तो बताएं आप पर तो बड़ी खवातीन फिदा होती होंगी अरे अब वो ऐसी बात कहाँ नहीं नहीं फराज साहब ऐसी बातें ना करेंगे कि खंडरात बता रहे हैं कि इमारत बहुत हसीन थी खंडरात इश्यूज भी नहीं नहीं सॉरी इश्यूज भी खंडरात मैंने जक मारी है हमें पता है बड़ी नेगेटिव वाइब वाला मुहावरा था मुझे याद हो गया था मैंने कहा चलो कह ही देती हूँ सॉरी आई एम सॉरी अच्छा ये अब हो गए तो जरा इसको रेड करके ना यूं डाल देते हैं यस इसके बाद आपने ये सजाना मैंने अब क्या बनाना है भला पूछे क्या क्या कितना अच्छा पूछा आपने पूछे क्या क्या एक बार फिर पूछे क्या क्या मैं स्मूदी बना रही हूँ तो स्मूदी के अंदर देखिए पीनट बटर अरे वाह ये अरे चीनी ये अल्लाह मियाँ के केले अल्लाह मियाँ ने बनाए जो अल्लाह मियाँ बनाते हैं वो सबसे अच्छा ही होता है ये दूध है तो ये दही है अच्छा ये तो सबसे मैंने क्या बन क्या रहा है स्मूदी बन रही है ना ठहर जाए ना मैं इसके अंदर डालूंगी ये सब चीजें मिक्स करके तो स्मूदी लग जाता है ना थोड़ा बहुत तो जोर भी नहीं लगता रोजा लग जाता है अच्छा इसको तो मैं हटा लूं इसका काम हो गया खत्म किनौर का केचप जबरदस्त है वैसे एक से एक चीज बनाई है मानसिक किनौर ने इस दफा तो हमारी बड़ी ऐश हो गई है इस रमजान में तो मजा करा दिया है अच्छा जी अब हमने डालना है बिस्मिल्ला करके इसमें दूध देखिए सारी चीजें मैं कहती हूँ ऐसे तो अल्लाह की कुदरत है अल्लाह का नूर कहते होते दूध को तो दही है? अच्छा दूध और दही एक साथ हाँ जी अच्छा, देखिए ना चाहे आप सहरे में पिए तो चाहे इफ्तारी में पिए ठंड ठंड है कलेजे को ठंड जैसे आज मेरे कलेजे को ठंड पड़ी है किसी और के आने की वजह अच्छा मेहमान आते हैं तो इंसान को अच्छा ही लगता है ना अच्छा अच्छा हाँ जी तो ये मैंने अब इसके बाद चीनी डाल रही हूँ मैं देखिए थोड़ा पकौड़ा ना सड़ जावे मेरी गला मेरे वाले मैं देख रहा हूँ आपका ध्यान मेरी तरफ है ना मैं नहीं इधर भी देख रहा जी मैं क्या नहीं असल में मेरे जब कोई मेरी तरफ देखता है उसका ध्यान कहीं और होता ही नहीं है ना चार हमने मुन्ने मुन्ने इसमें केले डाले तो हमने इसमें डालना पीनट बटर उफ लो इसको तो देख के ओए ओए सॉरी अल्लाह मियां ऐवें बंदा बशर कभी कभी गलती से घूंट भर लेता है मगर पानी तो नहीं ना पिया हमने अच्छा चीजें देख के मुंह में पानी आ ही जाता है पीनट बटर ने जो करनी है ना ओए होए होए लूट पे जानी है थे देखना तुसी मुझे लग रहा है ये कमाल डिश कमाल है वैसे मानसे और इसके अंदर पड़नी है अभी बर्फ चले आप बिजी है नहीं, तो मैं ले आता हूं। ले आएंगे उधर फ्रीजर में पड़ी है दूसरी मंजिल पे है यस यस नीचे वाली राइट साइड पे यस नहीं सज्जे पास
ये आ गया। ये जी हाँ जी, इसमें डाले बर्फ, ये आइस में आप। मैं मेहमानों से वैसे काम नहीं कराती होती, ये तो मैं आपका अपना पन है जिसकी वजह से मैं आपसे ये हेल्प ले रही हूँ। और मैं भी देखे ना आपकी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ जी, तो रमजान में जो किसी की हेल्प करता है उसको सवाब होता है। तुसी बड़े खोचे ले हो, मैं तो तुसी हेल्प नहीं करते, पता ना रोज दे दार औरत है बेचारी, एदे नाल जरा हाथ बनाइए तो थोड़ा फायदा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वैसे मैंने भी आगे भी मैंने कहा था कि अपनी बीवियों के साथ हेल्प करानी चाहिए। आप अपनी बीवी की हेल्प कराते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हां, हमेशा करवाता हूं। हमारे बच्चे आए थे ना, अपना ताका आया था तो विकी आया था। जी जी, शुक्र है अल्लाह का, मेरे मुंडे बड़े चंगे ने अपने। अच्छा? अपनी बीवी के, हां जी हेल्प कराते हैं। लो जी बिस्मिल्लाह करके अब मैं चलाने लगी हूँ, ऐ भी जना बोलियो। अच्छा ये बंद कर दूं? हां जी बंद कर दे, बंद करके तो मैं इसको ये सेट करती हूँ थोड़ा सा, फिर हम उस टेबल पे रखेंगे। अच्छा जी, वेरी गुड। ओए होए होए, इसका रंग देखे, ओए होए होए, लूट बैग लूट बैग। अरे वाह वाह, आवाज से भी लग रहा है ना कि मजे का होगा। आप तो खेल रही है। नहीं, मजे की आवाज भी होती है। अच्छा, ऐसे करते हैं। अच्छा अब मैंने इसकी हो गया, ये रेडी हो गया, बिल्कुल बिस्मिल्लाह करके। मेरा जो छोटा वाला पोतरा है ना, हाँ? जब खाना खाता है तो मजे की आवाज निकाल देता है, मजे की भी अपनी आवाज होती है। बिस्मिल्लाह, ये देखो। और इंशाल्लाह देखेगा आप, टेस्ट बिल्कुल ठीक होना है। ये नहीं कोई ऊपर नीचे, क्योंकि मेरा तजुर्बा ही बड़ा है, कुछ ना पूछो। कोई मैं माहराना किस्म की शेफ बन गई हूँ, बड़े लोगों ने मुझे नौकरी ऑफर की। चले आप रख दे, शाबाश। कहाँ पे रखूं? उधर टेबल पे। शुक्रिया बहुत बहुत, इतने बड़े फनकार से मैंने ये काम ही करा लिए। मैं ही बड़ी फनकार निकली ना। टेबल पे रखूं? हाँ जी प्लीज। yes, ये देखे ना ध्यान से, जो तुसी रोड़े आते फिर देखियो तुसी। हाँ जी शुक्र है, खैरी सल्ला। चलो जी, हमारी ये चीजें भी सेट हो गई है माशाल्लाह, हमारी बास्केट तैयार हो गई है। और हमने इसके ऊपर थोड़ी को और गार्निशिंग करनी है, तो चूल्हा बंद कर देता है। फुसफुरा साहब बड़े अक्लमंद ने, मैं क्या, मैं चूल्हा छोड़ देने लोकी बंदा होया, तो इसके ऊपर हम जरा एक। और ये भी रख दूं? ये मैं रखूंगी ना, अब आप सारा काम तो ना, आप हमारे मेहमान हैं। अच्छा, आप हमारे लिए काबिले इज्जत हैं, तो आपसे सारा काम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बस आपने इफ्तारी के टाइम खोलना है ये रोजा हमारे साथ। ये रही मैं, ये रहे पकौड़े, तो वो रहे फराज साहब। अरे ये हाँ है, मैं भूल गई थी। जी जी, ये भी लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फराज साहब, आप इतने हेल्पफुल है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। जरा का गुरूर नहीं है आपके अंदर? इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, फिटे हुए होते हैं, किसी को देखे ना। मैं तो आपको पता है मेरा क्या स्टाइल है। तो मैं क्या करती होती हूँ, जब रोजा खुलने वाला होता है तो चॉइस आपको तब उठाती हूँ, सो जाते हैं ना फिर। अच्छा, असर पड़ के सो जाते हैं। अच्छा, फिर जाहिर है थक गए। वैसे मुझे आप पे तरस आता है कि आप इतना काम कर। नहीं, दरअसल मुझे काम करने से बड़ी खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे सुगड़ औरत समझे तो। अच्छा दूसरा ये बताएं कि चौधरी साहब आपकी हेल्प नहीं करते? करते हैं, सवेरे सारा कुछ काटा बांध के हो ही गए ने। अच्छा, मसाले वसूले मैंने शुद्ध कर दिया। मैं बहुत अच्छी बात है उनकी। तो बस बहनों और भाइयों, आपको पता है कि मैंने भी चॉइस सबको आवाज मारनी, उन्होंने दौड़ी दौड़े आ जाना है। तो आज का इतना ही शो था, और फराज साहब हमारे घर आए। एक दफा मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगी, एक दिन फिर चक्कर लगाइएगा ना किसी और। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद आपने अगला हमारा शो देखना है, तो मैंने और कोई दस चीज बनानी है, हो जी चिचकारेदार का मजा आ जाना थोड़ा खा के। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, देखना ना भूलिएगा मिसेस चौधरी का तड़का। व्यारफ वे चोई साहब ने जुगाई वे। We'll be right back.